बसमिल्ल रन रही हमने जब मॉनिटरी पॉलिसी का टॉपिक शुरू किया तो इसके अंदर हमने स्पेसिफिकली ये बात की कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी इज शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट विच इज़ इन द मनी मार्केट थ्रू डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज स्पेसिफिकली डिमांड फॉर रिजर्व एंड सप्लाई ऑफ रिजर्व बट सेंट्रल बैंक वॉन्ट्स दिस मनी मार्केट रेट विच इज़ इक्विलिब्रियम मनी मार्केट रेट एट डिजायर्ड लेवल एंड दैट डिजायर्ड लेवल इज कॉल्ड पॉलिसी रेट फिर हमने ये देखा कि सेंट्रल बैंक उसको उस जगह पे रखना चाहता है तो उसके पास टूल्स होते हैं टूल्स में ओपन मार्केट ऑपरेशन हो सकता है डिस्काउंट रेट हो सकता है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो हो सकता है इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन रिजर्व्स हो सकता है लेकिन इस सारी डिस्कशन में एक चीज साथ साथ चलती रही सीलिंग रेट फ्लोर रेट और मैंने आपको जब ये स्टार्ट लिया सीलिंग uh, और फ्लोर का तो मैंने आपको उसी लेक्चर में यह बता दिया था कि ये system, यह कॉरिडोर सिस्टम यानी कि यह कॉरिडोर डिफाइन होता है कि मनी मार्केट का रेट इन लिमिट से बाहर नहीं जा सकता तो अब हम ये लेक्चर इस डिस्कशन पे यूज करेंगे इस लेक्चर को या इस लेक्चर में यह डिस्कशन करेंगे कि मनी मार्केट रेट के ऊपर जो सीलिंग और फ्लोर लगाया जाता है इसकी वजह से मनी मार्केट रेट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आते फ्लक्चुएट जरूर करता है क्योंकि इक्विलिब्रियम से तय होता है ना डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से तय होता है डिटॉमिन होता है तो इसका मतलब वो चेंज जरूर होगा फ्लक्चुएट जरूर करेगा लेकिन वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता अब इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर सिस्टम है क्या सेंट्रल बैंक सेट पॉलिसी टारगेट ट्राई टू लिमिट मूवमेंट ऑफ मनी मार्केट रेट और कई बार बता चुका हूं देन टारगेट फॉर ओवर नाइट इंटर बैंक मनी मार्केट रेट ये पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिकली मैंने डाल दिया कि पाकिस्तान में शॉर्ट टर्म मनी मार्केट रेट जब मैं बोलता हूं कि उसको सेंट्रल बैंक टारगेट करना चाहता है तो वो ये स्पेसिफिक ओवरनाइट इंटरबैंक मनी मार्केट रेट होता है जिसको सेंट्रल बैंक टारगेट कर रहा होता है बहरहाल ये है वही मनी मार्केट रेट जो डिमांड और सप्लाई से determine. अब मनी मार्केट रेट इज बाउंडेड बिलो बाय द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन रिजर्व जिसको हम कहते हैं फ्लोर रेट यानी कि मनी मार्केट रेट ये बाउंडेड बिलो का मतलब है कि इससे नीचे नहीं जा सकता है, ये उसकी है. Rate, का मतलब है कि उसकी बाउंड्री है जब ये उसकी बाउंड्री है तो ये ऊपर तो नहीं जा सकेगा इसका मतलब है कि मनी मार्केट रेट डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से जरूर डिटर्मिन होता है और जब डिमांड या सप्लाई चेंज हो जाए तो वो चेंज भी हो जाता है मनी मार्केट रेट लेकिन ना वो फ्लोर से नीचे जा सकता है ना वो सप्लाई से ऊपर जा सकता है इसका नतीजा ये होता है कि जो मनी मार्केट रेट की फ्लक्चुएशन हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होती वो थोड़ी होती हैं बावजूद इसके कि मार्केट में ऐसी सूरत हाल हो जाए कि बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन फोरसी की जा रही हों स्टिल वो फ्लक्चुएशन इतनी बड़ी होंगी वजह वजह क्या है कि डिमांड और सप्लाई में चेंजेस आती रहें छोटी आए देखें ये याद रखें डिमांड और सप्लाई से चूंकि मनी मार्केट रेट ने चेंज होना है अगर ऑलरेडी डिमांड ही कम मैग्नीट्यूड से चेंज हो या सप्लाई कम मैग्नीट्यूड से चेंज हो फिर तो मनी मार्केट रेट में वैसे ही थोड़ा सा चेंज आएगा हम बात कर रहे हैं जब डिमांड में बहुत बड़ा चेंज आ जाए या सप्लाई में बहुत बड़ा चेंज हो जाए तो फिर तो रेट को भी बहुत बड़े नंबर से चेंज होना चाहिए लेकिन वो बड़े नंबर से चेंज फिर भी नहीं होता इसलिए के सीलिंग और सेंट्रल बैंक का फ्लोर उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं उसकी मूवमेंट इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट की फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं होगी बावजूद इसके कि डिमांड और सप्लाई में बड़ी बड़ी चेंजेस आ जाएं इस चीज को हम एक डायग्राम से अंडरस्टैंड हमारे पास इस वक्त एक आर एस है जो कि सप्लाई कर्व है रिजर्व का नॉन बारोड रिजर्व के ऊपर वर्टिकल है और डिस्काउंट रेट पर जाके जो है वो ऑरिजेंटल हो जाता है दूसरी तरफ हमारे पास एक आर डी डिमांड फॉर रिजर्व का कर्व है जो कि आई ओ आर पे जाके जो है वो ऑरिजेंटल हो जाता है इन दोनों का जो इक्विलिब्रियम बन रहा है उसके ऊपर हमारे पास है आई एम आर टी हमारे पास बन गया आई एम आर टी यानी कि ये हमारा मनी मार्केट का रेट है जो कि है इक्विलिब्रियम टी ऊपर इसलिए लगा दिया कि सपोज यही टारगेट भी है सेंट्रल बैंक टारगेट भी तो कहीं फ्लोर और सीलिंग के दरमियान में होता है ना तो कहीं दरमियान में है तो वो सपोज इसी की इक्वल है तो हम ये एश्यूम कर रहे हैं कि इनिशियली जो मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम रेट है वो सेंट्रल बैंक के टारगेट के मतलब अब इस केस में अगर एक कोई भी रीजन हो जाए जिसके बाद सेंट्रल बैंक का डिमांड कर्व राइट साइड पे शिफ्ट हो और बहुत बड़ी मैग्नीट्यूड के साथ शिफ्ट हो क्या मतलब कि जिस वजह से रिजर्व्स की डिमांड बढ़ रही है वो रिजर्व्स बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड से वो डिमांड बढ़ रही है मसलन अगर फाइनेंशियल क्राइसिस की सी सिचुएशन हो जाए हालात फाइनेंशियली खराब हो जाए तो सेंट्रल बैंक बहुत ज्यादा एक्सेस होल्ड करते हैं तो की डिमांड बढ़ जाएगी तो रिजर्व की डिमांड बढ़ गई तो इसका मतलब यह है कि कब राइट साइड पे शिफ्ट हो गया पॉइंट यह है कि अगर आप डायग्राम में देखें तो बहुत बड़ी मैग्नीट्यूड के साथ डिमांड कब शिफ्ट हुआ अब अगर यह कॉरिडोर सिस्टम ना होता तो फिर जो इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट ने डिटरमिन होना था वो आईडी से कहीं ऊपर जाके होता डायग्राम के मुताबिक लेकिन चूंकि कॉरिडोर सिस्टम है इंटरेस्ट रेट डिस्काउंट रेट से ऊपर हो ही नहीं सकता तो आईडी के ऊपर ही नया इक्विलिब्रियम बने यही बात आप दूसरी साइड पे देख लें कि, कि किसी वजह से बैंक्स ने अपने रिजर्व्स की डिमांड बहुत कम कर दी है तो बहुत कम करने के नतीजे में जो अब डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्शन होना था वो टेक्निकली आईओआर से नीचे कहीं जाके होना था लेकिन चूंकि ये फ्लोर रेट है इससे नीचे जा नहीं सकता मनी मार्केट रेट तो रिजल्ट ये निकलेगा कि इकोलिब्रियम आईओआर पे ही अचीव हो जाए इसका मतलब ये है कि जितनी मर्जी डिमांड में चेंजेस आती रहे रिजर्व की कभी भी जो मनी मार्केट का रेट है वो ना आईओ से नीचे जाएगा यानी कि इंटरेस्ट ऑन रिजर्व और नॉन डिस्काउंट रेट से ऊपर जाएगा जो कि सेंट्रल बैंक का सीलिंग रेट रिजल्ट क्या निकला द इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर सिस्टम लिमिट्स फ्लक्चुएशन ऑफ द मनी मार्केट रेट एज इट रिमेन्स इन द रेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट पेड ऑन एक्सेस रिजर्व एंड इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड ऑन डिस्काउंट लोन उससे बाहर नहीं निकल सकता इसी वजह से उसकी लिमिट हो जाती है लिमिट हो जाती है उसकी फ्लक्चुएशन कम हो जाती है। thank you